गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ सब्जेक्ट. सो ओपन योर मैथमेटिक्स प्रैक्टिस बुक पेज नंबर 42, वर्ड प्रॉब्लम. सो स्टूडेंट, इसके पहले भी हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं. रीड द वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली एंड सॉल्व देम. टिया हैड सिक्स बंस. टिया के पास कितने बंस है? सिक्स. प्लस रेयन गिव हर टू मोर बंस. रेयन गिव हर टू मोर बंस. और उसने कितने दिए? टू. सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट. हाउ मेनी बंस आर लेफ्ट विथ टिया नाउ? टिया के पास कितने बंस है अभी? एट. ओके, देयर आर एट बर्ड्स ऑन अ ट्री. देयर आर एट बर्ड्स ऑन अ ट्री. ट्री के ऊपर कितने बर्ड्स है? एट. वन मोर बर्ड कम्स टू द ट्री. और एक बर्ड फिर से आया. 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9. हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन ऑल? पूरे मिलके कितने बर्ड्स हुए? 9. आपको समझ में आ रहा? ए, हम एडिशन कर रहे हैं. ओके, रिया एट वन आइसक्रीम. रिया ने कितनी आइसक्रीम खा ली? 1. रॉन गिव हर वन मोर टू इट. रॉन ने फिर से उसको एक दी. हाउ मेनी आइसक्रीम डिड रिया ईट? रिया ने पूरी आइसक्रीम कितनी खाई? रिया ने पहले से एक खा ली थी, फिर बाद में रॉन ने फिर से उसको एक दी. 1 + 1 इज इक्वल टू 2. आपको इस तरीके से यह जो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है वो आपको खुद सॉल्व करना है. ओके, पेज नंबर 40. रीड द वर्ड प्रॉब्लम केयरफुली एंड सॉल्व देम. टीचर पुट सिक्स चॉक्स. टीचर पुट सिक्स चॉक्स ऑन द टेबल. टीचर के टेबल पे कितने चॉक्स है? सिक्स. शी यूज टू चॉक. और टीचर ने कितने यूज़ किए? टू. हाउ मेनी आर लेफ्ट? सो कितने बचेंगे? सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू 4. सिक्स माइनस टू इज इक्वल टू 4. सिक्स में से अगर 2 गए तो 4 बचेंगे. ओके, देयर आर टू ट्रेन्स एट द स्टेशन. वन ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन. हाउ मेनी ट्रेन्स आर लेफ्ट? स्टेशन पे 2 ट्रेन्स थी माइनस 1 ट्रेन चली गई, तो वहाँ पे कितनी ट्रेन बचेगी? 1. ओके, देयर आर 7 बेड्स इन द रूम. देयर आर रूम में कितने बेड्स थी? 7. द बॉयज टुक 1 बेड. तो बॉयज ने कितनी बैट ली वहाँ से? 1. तो 7 - 1 इज इक्वल टू 6. हाउ मेनी बैट्स आर लेफ्ट? फिर वहाँ पे रिमेनिंग बैट्स कितनी रहेगी? 6. ओके, आपको इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है.